सावन का महीना आते ही पूरे इलाका भगवान शिव के नामों से गुंजायमान हो जाता है तथा सोमवार को श्रद्धालु विशेष रूप से शिवालयों में भगवान शिव की आराधना करते हैं। वहीं मधुबनी जिला से सटे दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के टिकटार, हरिहरपुर, वाजिदपुर, कमतौल, कोठिया एवं बिस्फी प्रखंड के सिंहिया पश्चिमी पंचायत के विभिन्न गाँव के शिवालयों में लोगों की काफी अधिक भीड़ देखने को मिलती है, जो भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए आए हुए थे। श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को देखते हुए कमतौल थाना अध्यक्ष वरुण कुमार गोस्वामी ने बताया कि इस खास मौके पर कमतौल थाना की ओर से पुलिस बल पूरा क्षेत्र में गश्ती करेगा तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। सामान्य जनता को जल अभिषेक करने की किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक प्रचलित धार्मिक स्थलों पर कैमरे के द्वारा भी मॉनिटरिंग किया जा रहा था। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बढ़ाई हुई है। वहीं बिस्फी प्रखंड के सिंहिया पश्चिमी पंचायत में भी भारी भीड़ देखने को मिला। बता दें कि यहां 200 वर्षों से भी अधिक पुराना शिवालय है, जिसके विषय में आम लोग यह भी कहते हैं कि यहां कभी श्रृंगार ऋषि का आश्रम हुआ करता था तथा उन्हीं के आश्रम के बगल में एक पुराना शिवालय स्थित है, जहां सावन के एक महीने में अलग अलग दर्जन गांवों से लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं या पश्चिम के लोग प्रत्येक सप्ताह भगवान शंकर का श्रृंगार भी करते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि आज 2 सोमवारी हो गया और बचा 6 सोमवारी जलधरी चलेगा। आपको सावन मास 28 अगस्त तक रहेगा, जिससे पूरा इलाका महादेव के रंग में रंग चुका है। क्या नाम है सर? गंगा कुमार दास। अभी आप लोग कहाँ पे आए? अभी हम लोग अपना गांव में जो शिव मंदिर है वहाँ पे आए हैं। बहुत ही फेमस है वो, रामायण के समय से ही है वो। यहाँ पे बहुत अच्छा से हर्षोल्लास के साथ हर एक सोमवार का यहाँ पे मेला लगता है और दूसरे दिन भी जो जैसे शिवरात्रि होता है ऐसे में पूरा रहे तो यहाँ पे अच्छा ढंग से पूरा व्यवस्था पूरा हम लोग रखते हैं। लगभग कितना पुराना मंदिर होगा? लगभग हजार वर्षों से ही पुराना मंदिर है। हाँ, हजार वर्षों से ही पुराना मंदिर जैसा है। ये मंदिर का कोई इतिहास? ये मंदिर का इतिहास यही है कि रामायण का, हम लोग तो सुन रहे हैं कि रामायण के समय से ये मंदिर यहाँ पे है। जो श्रृंगी ऋषि जो थे वो यहाँ पे, उनका यानी आश्रम थे, उन्होंने ही इस मंदिर का जो है जो स्थापना करवाए थे। ये जैसे हम लोग सुन रहे हैं अपने पूर्वजों से। चलिए, क्या नाम बताया आप? गंगा कुमार दास। कौन सा पंचायत आपका? सिंगिया पश्चिमी दास। सिंगिया पश्चिमी मंदिर पर अभी हम लोग जल का अभिषेक किए हैं और इससे पहले हम लोग रात्रि को गए थे सिमरिया शिव चौक सिंगिया से हनुमान मंदिर, और अभी हम लोग सुबह में लौटे हैं और वहां से बाजपुर मंदिर, फिर बड़कावा का मंदिर और फिर ये सिंगिया पश्चिमी का मंदिर, और यहां से जाएंगे शिवन चौक, वहां भी हम लोग जल का अभिषेक करेंगे। इसके बाद पुनः अपने स्थान पर। अच्छा, ये कब तक चलेगा ये जो सावन है? ये हम लोग प्रत्येक जो है ना पहली सोमवार को जाते हैं सिमरिया। 28 अगस्त तक है? नहीं जी जी, अगस्त। अच्छा, आप लोग का मन में क्या खुशी हो रहा है कि ये सब मौसम आया? बाबा की धाम करके आए हैं, बहुत खुशी है। जो उन्नति लेके गए थे, जो मन में विश्वास लेके गए थे, वो बाबा पूरा करेंगे। क्या नाम हो आपका? चंदन प्रसाद। कौन पंचायत आपका? मेरा कोठिया पंचायत, वार्ड नंबर 2। चलिए ठीक। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।